नमस्ते फ्रेंड्स, मैं मधुलिका वत्सल आप सबका अल्ट्रा कुकरी में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी लेकर आई हूँ, जो कि एक वन पॉट मील है। इसमें दाल, चावल और बहुत सारी सब्जियों का यूज़ करके हम इसे बनाएंगे। इस रेसिपी में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम वेजिटेबल खिचड़ी बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सभी सीजनल सब्जियाँ ली है। ये फ्रेश मटर हैं, ये मैंने यहाँ पर फूल गोभी ली है जिन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये मैंने स्लाइस अनियन लिए हैं, एक आलू लिया है मीडियम साइज़ का, इसे मैंने काट लिया है। फ्रेंच बीन्स है, इसे भी मैंने काट के धो के रख लिया है। और इसी तरह से मैंने ये कलरफुल गाजर ली है, इसे भी मैंने धो के काट लिया है। कुछ करी लीव्स हैं, दो मैंने हरी मिर्च को काट लिया है। इस और आप अपनी मनपसंद अनुसार और भी इसमें सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप चावल लिए हैं, इन्हें मैंने धोकर सोक करने के लिए रख दिया था। सेम इसी तरह से मैंने आधा कप दाल ली है, ये मूँग की दाल है बिना छिलके वाली, आप चाहें तो यहाँ छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं। इसे भी मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अब हम मसाला डालेंगे। मसाले के लिए मैंने यहाँ पे नमक लिया है, जो टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। एक चम्मच के करीब यहाँ पे गरम मसाला है, क्योंकि ये मसाला खिचड़ी है तो मसाला थोड़ा तेज होना चाहिए। जीरा है छौंक लगाने के लिए, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर। और सेकेंड टेम्परिंग के लिए हम यहाँ पर ये घी लिया है और काजू लिया है और एक साबुत लाल मिर्च है, थोड़े कड़ी पत्ते और एक तेज पत्ता है। इसे हम सेकंड टेम्परिंग लगाएंगे, जिससे खिचड़ी का स्वाद दोगुना हो जाएगा। थोड़ा सा घी डालेंगे। जब भी खिचड़ी बनाएं हमेशा घी में ही बनाएं, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनती है। घी गरम होने दें। घी गरम होने के बाद में हम इसमें जीरा डालेंगे और जीरे को तड़का लेंगे। जीरा तड़क चुका है, अब हम इसमें एक तेज पत्ता डालेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसमें सभी सब्जियां डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे, अब इसमें हम कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और प्याज डाल लेंगे। इन्हें हम थोड़ा सा भूनेंगे। जब प्याज थोड़े से भुन जाए तो इसमें हम बाकी की सब्जियां डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ सीजनल सब्जियां ली हैं, जो बहुत ही आसानी से घर पे मिल जाती हैं। ये मैंने कटे हुए आलू डाले हैं, कटी हुई फ्रेंच बीन्स, कटी हुई गाजर, जो बहुत ही बढ़िया लगेगी इसमें कलरफुल। कलर के लिए मैंने यहाँ पर फ्रेश मटर डाले हैं और थोड़ी सी पत्ता गोभी। हमने सभी सब्जियां डाल दी है, इनको एक बार स्टर कर लें ताकि तेल में ये अच्छे से भुन जाए। फ्रेंड्स, अभी से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब इसमें हम सभी मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और नमक। एक बार इसे हम वापस स्टर कर लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। अब हम इसमें ये भीगे हुए चावल डाल देंगे, इन्हें मैंने धोकर आधे घंटे के लिए सोक कर लिया था। ये करीब आधा कप चावल है। इसी तरह से मैंने ये आधा कप मूंग की दाल ली थी, इसे भी धोकर भिगो दिया था, इसे भी इसमें डालें। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आधा कप दाल ली है, आधा कप चावल लिया है, तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करीब एक कप हो गया, तो इसका 5 times हम पानी डालेंगे, यानी ये 5 बाउल भर के हम पानी डालेंगे। एक बार हम इसे अच्छे से स्टर कर लेंगे। और इसे हाई फ्लेम पर 2 से 3 विसिल ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से
जब भी आपका कुछ ज़्यादा स्पेशल बनाने का मन ना हो तो आप इस खिचड़ी को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। घर पर पेरेंट्स नहीं हैं तो बच्चे भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अब इस प्रेशर कुकर में 3 से 4 सीटी आ चुकी है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसके प्रेशर को निकलने तक हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। प्रेशर कुकर का प्रेशर निकल चुका है, अब हम इसे खोल लेंगे। एक बार इसे स्टर करेंगे, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। यदि फ्रेंड्स आपको ये गाढ़ी लगे तो आप इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, और पतली लगे तो इसे खुला करके थोड़ा सा पका सकते हैं, पर हमारे पास में एकदम परफेक्ट है। इसे स्टर करें और हम इसे वापस से ढक के रख देंगे। अभी हमें एक बार और इसका फाइनल तड़का लगाना है। अब हम एक छोटा तड़का पैन रखेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। इसमें करीब 2 चम्मच घी डालें। खिचड़ी में हमेशा घी ऊपर से डाल के खाएँ, खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है। घी को गर्म होने दें। अब हम इसमें दो तीन कड़ी पत्ता डालेंगे, एक साबुत लाल मिर्च डालेंगे और थोड़े से काजू डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, नहीं तो हमारे काजू जल सकते हैं। इसमें इसे हल्का सा पका लें और इस तरह से हमारी टेम्परिंग तैयार है। फ्रेंड्स यदि आपको और तीखा पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालें और उसको अभी आप ऊपर से खिचड़ी पे सर्व करके खाएं। अब जब भी आपको खिचड़ी एंजॉय करनी हो आप सर्विंग प्लेट में खिचड़ी को डालें। और जो हमने तड़का बनाया है उसे डालकर इसे गर्मा गर्म एंजॉय करें। वाओ, बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसकी। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया खुशबूदार और टेस्टी खिचड़ी बनी है, बहुत बढ़िया स्मेल आ रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी बनी हमें अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इसी तरह की आसान हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा कुकरी को सब्सक्राइब करें।